हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको बुखार कैसे जांच करें। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विक्रम लाइफ केयर यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बताते हैं कि बुखार की जाँच कैसे करें। बुखार चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमारे मार्केट में हमारे नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाला डिजिटल थर्मामीटर, जिसकी सहायता से हम आसानी से बुखार चेक कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीका बुखार चेक करने का। आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाइए और वहाँ से ₹120 के मध्य मिलने वाला ऑटोमेटिक डिजिटल थर्मामीटर, जिससे आप अपना बुखार आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रखा हुआ है एक डिजिटल थर्मामीटर है, जिससे हम बुखार को आसानी से जांच सकते हैं। देखा कि आपने, यह अभी बंद है, इसके ऊपर ये लगा बटन आप दबाएंगे और ये ऑन हो जाता है। देखिए अभी इसमें जो टेम्परेचर आ रहा है, उसके बाद ये जब लो बताने लगे तो इसको अपने जीभ के नीचे रखेंगे, जिससे आपको सही तरीके से पता चल सके कि बुखार आपके शरीर में कितना है। जैसा कि इन भाई साहब के मुंह में लगाया गया है और अभी कुछ ही समय बाद इस पर एक रीडिंग आएगी, जिसको हम देखेंगे कि उस पर लिखा हुआ जो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर शरीर का टेम्परेचर होता है। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बुखार होता है और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बुखार कभी नहीं होता है। 99 डिग्री से 100 डिग्री मिल्ड फीवर होता है और 100 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार जो होता है वो मॉडरेट फीवर होता है। 103 डिग्री से 105 डिग्री हाई फीवर बुखार माना जाता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इस थर्मामीटर में एक डिजिटल रिंग बज रही है, इसका मतलब हो गया कि शरीर का टेम्परेचर आपके थर्मामीटर में आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे जो रीडिंग आई है, आप जैसा कि देख रहे हैं 98.5 रीडिंग फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब है कि इनके शरीर में बुखार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 105 डिग्री जो फ़ारेनहाइट बुखार होता है, उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, जो डेंजर जोन में पेशेंट चला जाता है। सही तरीका होता है थर्मामीटर का जीप के नीचे लगाएं, और कुछ लोग उसको बगल में दबा देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कभी कभी सही नहीं आता है, तो वो मॉनिटरिंग होती है, रीडिंग जो होती है वो सही नहीं होती, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि बुखार सही है या नहीं है। इसलिए थर्मामीटर का सही प्रयोग करें, जीप के नीचे दबाएं, जो भी रीडिंग आती है उसको आप पढ़िए, उसके बाद देखिए कि आपको क्या बुखार है या नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जीभ के नीचे रखने से सही टेम्परेचर आता है और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर होता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको फीवर है। और अगर 100 फ़ारेनहाइट बुखार है, तो उसको आप हमेशा मान के चलिए कि आपको बुखार है, और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको कभी फीवर नहीं हो सकता है। तो आप इस प्रकार से अपना बुखार चेक कर सकते हैं आसानी से, अपने घर पर, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने बड़े बूढ़ों का, आप स्वयं का टेम्परेचर चेक करके आप ये जान सकते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है। और अगर आपको बुखार है तो आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से पैरासीटामॉल की गोली ले सकते हैं। ज़्यादा बुखार होने पर आप 3 बार पैरासीटामॉल 500 mg ले सकते हैं। ज़्यादा बुखार हो रहा है, आपको समझ से नहीं आ रहा है कि बुखार हमको ज़्यादा हो गया है और पैरासीटामॉल लेने से कम नहीं हुआ है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। देखते रहिए डॉक्टर विक्रम लाइफ केयर यूट्यूब चैनल।
जय हिंद, जय भारत।